अंबा की विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यप्रकाश शंखवार के चुनाव का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां मौजूद सभी लोगों ने कांग्रेस को जिताने की अपील की। अंबा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यप्रकाश शंखवार के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यप्रकाश शंखवार ने कहा कि यह चुनाव जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस चुनाव को लड़ना है और कांग्रेस को जिताना है। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस को जिताने की अपील की और कार्यकर्ताओं से जी जान से जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से यह हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई विकास को लेकर है। जिस तरह से 15 साल में भाजपा ने मध्य प्रदेश के अंदर पूरा खजाना खाली कर दिया और घोटालों पर घोटाले करते रहे, वहीं दूसरी ओर 15 महीने में विकास देने वाली सरकार को इन्होंने पैसे के दम पर गिरा दिया, जो कि काफ़ी गलत है। देखिए अम्बा से हमारे संवाददाता की यह खास खबर। और दूसरी तरफ कांग्रेस का पल्ला खाली था साथियों, ना कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता थी और ना इस देश में सत्ता थी। कांग्रेस का जो दूसरा तराजू का तकत था वो खाली था, पर सत्यप्रकाश जी ने उस समय पर निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस को साथ। अंबा बाईपास पर अवैध शराब के